फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल स्टडी न्यूज़ फॉर यू के नए वीडियो में। छोटा सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि नए वीडियो आपसे मिस ना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो पहले मैं बता देता हूँ। महादेवी वर्मा के जीवन परिचय एवं कृतियों साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए, ये 2009-10-11 में पूछा गया था। दूसरा, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, ये 2012-13-14-16-17-18 काफ़ी बार पूछा गया है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं जीवन परिचय की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो महादेवी वर्मा का जन्म फकाबाद कहाँ हुआ था? जन्म फकाबाद, ठीक है, एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1907 ईस्वी में संवत 1963 विवान में होलिका दहन के दिन हुआ था, होलिका के ही दिन हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। जन्म फकाबाद और 1907 ईस्वी संवत 1963 विवान में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, ठीक है। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा है और अनंततः वे एक प्रसिद्ध कवित्री, प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुआ, ठीक है। संस्कृत से MA उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनकी विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। विवाह उपरांत ही इन्होंने FABA और MA परीक्षा सम्मान सहित उत्तीर्ण की। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। इन्होंने नारी शक्ति के लिए बहुत कुछ किया था। आगे देख लेते हैं क्या किया था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया था, ठीक है। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मनोनीत सदस्य भी रहीं। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सक्सेरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद परितोषित मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारतीय तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में संवत 2044 विवान को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। रिकॉल करा देता हूँ यहाँ पे, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी संवत 1963 ईस्वी में विवान में हुआ था होलिका दहन के दिन, ठीक है। और इनका जो यहाँ पे स्वर्गवास हुआ है वो हुआ है 11 सितंबर 1987 ईस्वी को संवत 2044 ईस्वी विवान में, ठीक है। चलिए साहित्यिक सेवा देख लेते हैं इनकी। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य, इनकी गणना छायावादी कवियों की वृहद चतुर अष्टयी प्रसाद पंत निराला और महादेवी में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों की मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादक करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र प्रभाव पड़ा, ठीक है। इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदन युक्त एवं भावुक था, इसलिए इन्होंने साहित्य में भी वेदना की गहरी टीस है, ठीक है। रचनाएं देख लेते हैं इनकी है फटाक से क्या है। महादेवी वर्मा जी का प्रमुख कृतित्व इस प्रकार है। निहार यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। दूसरा रश्मि, इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है, ठीक है। निर्जा, इस संग्रह के गीतों में इनकी जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। सांध्य गीत, इसमें इनके श्रृंगार परक गीतों को भी संकलित किया गया है। दीपशिखा, इसमें इनके रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है। यामा, यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है, ठीक है। और इसके नीचे जो हेडलाइन है ये लिख बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त संधिनी आधुनिक कवि तथा सप्त
पड़ा इनके अन्य काव्य संग्रह है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान, यह लिखना इम्पोर्टेंट भी है। निष्कर्ष रूप में महादेवी जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अतीव पुष्ट हैं। अपने साहित्यिक व्यक्तित्व एवं अद्वितीय कृतित्व आधार पर हिंदी साहित्य काश में महादेवी जी की गरिमामय पद ध्रुव तारे की भांति अटल रहेगा, यानी हमेशा आजाद रहेगा। तो ये था महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ही दीजिएगा, कमेंट में करके हमें बताइए अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। चैनल पर नए होंगे तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी के निशान को दबा लीजिएगा। नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।